नमस्कार बच्चों, आप सब बढ़िया होंगे। आज हम क्लास 7 का हमारी दुनिया किताब का पहला चैप्टर पृथ्वी के अंदर ताक झाक, यानी आज हम इस किताब में ताक झाक करने वाले हैं बच्चों। चैप्टर का नाम आप देख ही रहे हैं, पृथ्वी के अंदर है ताक झाक, यानी पृथ्वी के अंदर हम झाकेंगे। जिसे आप नारियल को देखे होंगे, जब आप नारियल के अंदर झांकते हैं तो भी आपको तीन परतें दिखाई देंगे। एक तो एकदम हार्ड वाला होगा, है ना, एक बीच वाला होगा, और लास्ट में जो उसका तह होता है उजला वाला, वो होता है। ठीक इसी तरह पृथ्वी के जब अंदर झांकेंगे तो तीन परत मिलेगा दोस्तों, सीमा, सियाल और निफे। इस चैप्टर में हम इसी तीन परत के बारे में विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, रीडिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम रीडिंग को ज़्यादा तवज्जो ना देते हुए इसका मेन पॉइंट पर आएंगे। ऐसे आप लोग पढ़िए। रविवार का दिन था, सभी बच्चे टेलीविज़न पर फिल्म काला पत्थर देख रहे थे। देखिए, यह वीडियो बच्चों के साथ साथ जो सीटेट की तैयारी करते हैं, पेपर 2 सोशल साइंस, उनके लिए भी यह फायदेमंद होगा। तो रविवार का दिन था, टेलीविज़न पर काला पत्थर देख रहे थे, कोयला खदान में काम करने वाले मजदूरों पर बनी थी। इस तरह से आप यदि इसको पढ़ते हैं तो इसका बैकग्राउंड आपको समझ में आएगा। हम इसके मेन पॉइंट पर आएंगे। देखिए, हुमायूं ने कहा, मेरे घर में चापाकल लगा है। ऐसे बच्चों की डिमांड रहती है कि नहीं सर, शुरू से ही पढ़ दीजिए। तो चलिए पढ़ ही देते हैं। रविवार का दिन था, सभी बच्चे टेलीविज़न पर फिल्म काला पत्थर देख रहे थे। फिल्म कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों पर बनी थी। फिल्म में दिखलाया गया था कि जमीन के अंदर किस तरह खदान की गहराई में मजदूर हाथों में फावड़े और सिर पर टॉर्च लगे हेलमेट पहनकर उतरते हैं और कोयले की दीवार को काटते हैं। काटा हुआ कोयला ट्रॉली पर डाल देते हैं और पट्टे के सहारे चलती हुई ट्रॉली नीचे से ऊपर कोयले को लाकर गिरा देती है। कोयले के खदान में ज़्यादा खुदाई करने पर उसमें पानी भर जाता है और कई मजदूर संकट में फंस जाते हैं, जिन्हें फिल्म का हीरो अपनी जान पर खेल कर बचाता है। फिल्म खत्म होते ही शिवांगी, जो विद्यार्थी है, आश्चर्य से बोली, खदान में इतना पानी कहाँ से आया? अंकुर बोला, मैं तो सोचा करता था कि धरती के नीचे सिर्फ मिट्टी ही है, लेकिन यहां तो कोयले की बड़ी बड़ी चट्टाने हैं। राहुल सेखी बघारता हुआ बोला, अरे पृथ्वी के नीचे हीरे और सोने की भी खदानें होती है। मेरे पिताजी तो कोलार के सोने की खान में काम करते हैं। अब बच्चों ध्यान देना है, आपको ढूंढना है कि कोलार के सोने की खान कहाँ है। पहला पॉइंट आप यहां भी अंडरलाइन कर सकते हैं या आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, कोलार का सोना का खान। मीना बोली, धरती के नीचे पानी मिलता है, मैं तो इतना ही जानती थी, मेरे घर में कुआं भी है, लेकिन नीचे और न जाने क्या क्या है। शंभू ने कहा, कल स्कूल में मैं शिक्षिका से पूछूंगा कि धरती के नीचे इतनी चीजें कहाँ से आती है। अगले दिन उसने शिक्षिका से धरती के आंतरिक भाग की बात पूछी। मैडम ने बताया, हमारी पृथ्वी जो ऊपर से दिखाई पड़ती है अंदर से वैसे ही है, ऐसी बात नहीं है। पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीजें पाई जाती है, ये चीजें हमारे बड़े काम की होती है। उन चीजों को निकालने के लिए कई तरह के उपाय करने पड़ते हैं। शिक्षिका ने पूछा, जरा बताइए चापाकल में पानी कहाँ से आता है? अब यहाँ पर बच्चों ध्यान से समझना कि चापाकल में पानी कहाँ से आता है। हुमायूं ने कहा, मेरे घर में चापाकल लगा है, मिस्त्रियों ने पाइप को हाथों से ही जमीन के अंदर गाड़ दिया और उसमें नल लगा दिया। पाइप से होता हुआ पानी चापाकल से बाहर आता है। देखिए, हुमायूं ने जवाब दिया। तभी उमा बोल उठी, लेकिन मेरे घर तो जमीन के अंदर पाइप मशीनों से गाड़ा गया। मिस्त्रियों ने कहा था कि वहां जमीन में पत्थर है, बोरिंग वाली मशीन मंगवानी पड़ेगी। देखिए, आप बगल में जो चित्र देख रहे हैं, समुद्र से तेल निकालते हुए संयंत्र का है।
समुद्र से खनिज तेल निकाला जा रहा है, जिसमें पेट्रोलियम होता है। उसके बाद हम देखते हैं, मैडम ने कहा आप सभी ठीक कह रहे हैं, यही तो खासियत है हमारी पृथ्वी की। हमारी पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीज़ें मिलती है, यहाँ तक कि तेल के कुएं भी। वाह, देखिए समुद्र से तेल निकाला जा रहा है इस चित्र में। तेल भी, सभी के मुंह से अचानक बोल फूट पड़े, हाँ इसे खनिज तेल कहते हैं। जमीन में कुएं खोदकर खनिज तेल निकाला जाता है, इन्हीं खनिज तेलों को साफ करने पर हमें पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल आदि मिलता है। आप चित्र 1.2 में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देख रहे होंगे, थोड़ा धुंधला है, आप लोग किताब में इसको स्पष्ट रूप से देख लीजिएगा। सभी बच्चे दंग थे, सब सोच रहे थे और न जाने क्या क्या पृथ्वी के अंदर मिलता है। शिक्षिका बच्चों के मनोभाव वो उत्सुकता को समझ रही थी। उन्होंने कहना शुरू किया, हम जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे गहराई में जाते हैं, नीचे तापमान और दबाव दोनों बढ़ता जाता है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे, तापमान और दबाव दोनों क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इसलिए गहराई में जाने पर गर्मी बढ़ने लगती है। जब आप गुफा में जाएंगे तो देखिएगा तापमान बढ़ेगा। जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं, क्या होता है, तापमान और दबाव दोनों बढ़ जाता है। इसीलिए गहराई में जाने पर गर्मी बढ़ने लगती है। पृथ्वी के नीचे कुछ परतें हैं, ये परतें एक दूसरे से दबी हुई है और इनमें अलग अलग पदार्थ भी पाए जाते हैं। तो आपको अभी एक पॉइंट पर ध्यान देना है कि पृथ्वी के नीचे जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे, तापमान और दबाव दोनों बढ़ता जाएगा। जैसे ही तापमान बढ़ेगा बच्चों, तो ठंडा लगेगा कि गर्मी, क्या लगेगा, गर्मी लगना शुरू हो जाएगा। बच्चों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। शारदा ने कहा, मैम हमें पृथ्वी की इन परतों के बारे में बताइए। शिक्षिका ने बोर्ड पर एक रेखाचित्र बनाया और उस पर इंगित करते हुए कहने लगी, हमारी पृथ्वी की तीन परतें हैं। देखिए पहला तो हमने ध्यान देने के लिए आपको कहा कि चापाकल में पानी कहाँ से आता है, तो नीचे से आता है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ध्यान देने वाली बात है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे गहराई में जाएंगे, तापमान और दबाव दोनों बढ़ता जाएगा। इसीलिए गहराई में जाने पर गर्मी बढ़ने लगती है। उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है कि पृथ्वी के नीचे कुछ परत हैं जो एक दूसरे से दबे हुए हैं और इसमें अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं। अब मैम बताते हैं कि पृथ्वी की तीन परतें हैं, अब आपको ध्यान देना है। देखिए पृथ्वी की तीन परतें कौन कौन हैं, ये चित्र आप देख रहे होंगे। इसमें सियाल है, सीमा है, नीफे है। ऊपरी हिस्से को, जो ऊपर वाला हिस्सा है, उसे हम सियाल कहते हैं। ऊपरी हिस्से को हम सियाल कहते हैं, बीच वाला हिस्सा को हम सीमा कहते हैं, और सबसे अंदर वाला हिस्सा को, भीतरी हिस्सा को हम नीफे कहते हैं। सियाल देखिए ऊपरी हिस्सा है, इसे हम भूपरपटी या भूपटल भी कहते हैं। भूपरपटी या भूपटल भी कहते हैं। आप लोग लिख सकते हैं कि सियाल लिखिए और देकर डैश लिखिए और उसमें लिखिए कि ऊपरी हिस्सा है, फिर लिखिए इसका उपनाम क्या है, इसे और हम क्या क्या कह सकते हैं, तो भूपरपटी या भूपटल भी कह सकते हैं। ऐसे हम इस चैप्टर का लिखा हुआ नोट्स भी इस वीडियो के अंतिम में दे देंगे, आप वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। और हो सके तो आप अभी ही नोट डाउन कीजिए, लिखिए कि सिलिका, सियाल देकर डैस लिखिए, लिखिए ऊपरी हिस्सा है और इसका उपनाम भूपरपटी या भूपटल है। इसमें दो तत्व मुख्य रूप से पाया जाता है। सिलिका, सिलिका को हम SI से सूचित करते हैं, इसे रेत भी कहते हैं, तो सिलिका और अल्मोनियम, AL से अल्मोनियम, तो इसमें सिलिका और अल्मोनियम पाया जाता है। इसे भूपरपटी या भूपटल कहते हैं और इसके ऊपरी हिस्से को सियाल कहते हैं। इसमें ही पाइप डाकल पानी खींचते हैं या कोयला, लोहा, सोना, हीरा, खनिज तेल इत्यादि निकालते हैं।
यानी चापाकल से पानी जो आता है पृथ्वी के किस परत से आता है, तो सियाल से आता है। खनिज लवण किस परत में मिलता है, तो सियाज में मिलता है। खनिज तेल कहाँ मिलता है, तो सियाल में मिलता है। कोयला, लोहा, सोना, हीरा, खनिज तेल सब सियाल परत से मिलता है। तो इस तरह से हम याद कर लेंगे कि सियाल में सिलिका और एल्युमिनियम, असीमा में क्या, सिलिका और मैग्नेशियम। देखिए, सियाल में सिलिका और एल्युमिनियम, सीमा में सिलिका और मैग्नेशियम, अनीफे में निकाल और फेरस, निकेल और फेरस। तो आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए, सियाल और सीमा में स है, तो सिलिका दोनों में रहेगा, सियाल और सीमा में भी। अब देखिए, सियाल में ल है तो अल्युमिनियम याद कर लीजिए, और सीमा में म है तो मैग्नीशियम याद कर लीजिए। अब नीफे, तो नीफे में नी है तो निकेल याद कर लीजिए। अब फो से फेरस, लोहा का रासायनिक नाम है, तो फो से फेरस, तो नीफे याद हो गया, नी से निकेल, अब फ से फेरस। सियाल सी से सिलिका, ल से एल्युमिनियम, सीमा सी से सिलिका, अब म से मैग्नीशियम। देखिए, ल से एल्युमिनियम नहीं होता, ए से होता है, उसको याद करने का तरीका, ठीक है। तो सियाल सीमा में स है तो सिलिका रहेगा, और सियाल में ल है तो एल्युमिनियम रहेगा, और सीमा में म है तो मैग्नीशियम रहेगा, और नीफे में निकेल और फेरस रहेगा। अब हम एक पॉइंट यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि पृथ्वी में नीचे की ओर जाने पर, ऊपर की ओर नहीं, नीचे की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आप गहराई में जाइएगा, तापमान तो बढ़ेगा ही, तो प्रश्न है कि कितना गहराई में जाएं और कितना तापमान बढ़े, क्या इसका है आंसर? तो है, 32 मीटर की गहराई में जाइएगा तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाएगा। अब आप बताइए, 64 मीटर की गहराई में जाने पर कितना डिग्री तापमान बढ़ेगा, तो 2 डिग्री बढ़ेगा। 96 डिग्री, 96 मीटर गहराई में जाने पर कितना तापमान बढ़ेगा, तो 3 डिग्री तापमान बढ़ेगा। इस चित्र से आपको समझ में आ रहा होगा, सियाल ऊपर है, सीमा बीच में है, नीफे सबसे नीचे है। देखिए जी, आप सबको यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अब हम इस चैप्टर का एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट को पढ़ रहे हैं। तो सियाल के बारे में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा सियाल के बारे में, जरा रिवीजन कर लीजिए। तो पृथ्वी का यह ऊपरी हिस्सा है जिस पर हम रहते हैं, जहाँ से हम चापाकल से पानी निकालते हैं, खनिज तेल निकालते हैं, कोयला, सोना, हीरा, डीजल, किरासन, पेट्रोल भी निकालते हैं। इसे हम भूपरपट्टी या भूपटल भी कहते हैं, और इसमें सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। अब हम सीमा पर चर्चा करेंगे। सीमा बीच वाले परत को कहते हैं, सीमा बीच वाले परत को कहते हैं, इसे मेंटल भी कहा जाता है, इसे मेंटल भी कहा जाता है। इसमें सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। ज्वालामुखी का लावा मेंटल से ही निकलकर पृथ्वी से ऊपर आता है, ज्वालामुखी का लावा मेंटल से ही निकलकर पृथ्वी से ऊपर आता है। तो सीमा में आपको क्या याद रखना है, कि ज्वालामुखी का लावा, असियाल में याद रखना है खनिज तेल और कोयला, सोना, हीरा। सीमा में ज्वालामुखी, इसे हम मेंटल भी कहते हैं। देखिए, सियाल को हम भूपरपट्टी या भूपटल कहते थे, और सीमा को क्या कहेंगे, मेंटल भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे नीफे। देखिए, नीफे में निकेल और फेरस आएगा, है ना, इसलिए चूंकि फेरस जैसा तत्व तो पाया जाता है निकेल जैसा, इसीलिए इसको हम नीफे कहते हैं। यह सबसे निचली परत है, सबसे नीचे पाया जाता है, सबसे नीचे, यानी जैसे ही आप पृथ्वी के अंदर जाना शुरू कीजिएगा तो सबसे पहला परत मिलेगा सियाल, उसके बाद क्या मिलेगा, सीमा, तब मिलेगा सबसे नीचे नीफे।
इसको हम क्रोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोड। सियाल को भूपरपटी या भूपटल, सीमा को मेंटल, अनिफे को क्रोड कहते हैं। सियाल ऊपरी हिस्सा है, सीमा बीच वाली परत है, अनिफे निचली परत है। सियाल में सिलिका एल्युमिनियम होता है, सीमा में सिलिका मैग्नीशियम होता है, अनिफे में निकेल और लोहा होता है। अब ध्यान देना है कि सबसे निचला परत है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, कितना नीचे याद है? 32 मीटर नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है, और सबसे नीचे जाएंगे तो तापमान और बढ़ जाएगा, दबाव भी बढ़ जाएगा, इसीलिए यहाँ जो चीज़ें होती है पिघल जाती है, गाढ़ी द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि तापमान और दबाव सबसे अधिक होता है। तो पूछेगा कि इस परत में चीज़ें गाढ़ी द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आंसर क्या होगा? नीचे। अब आप नारियल का उदाहरण भी देखिए। आपने नारियल तो जरूर खाया होगा, खाया है ना? हाँ, सभी बच्चे एक साथ चिल्लाए। नारियल में पहले छिलका और फिर गूदा और फिर बाद में पानी होता है। इनमें भी तीन परतें होती है और तीनों में अलग अलग तत्व हैं। ठीक वैसे ही हमारी पृथ्वी की तीन परतें हैं। हाँ, इतना जरूर है कि हमारी पृथ्वी की परतें नारियल की परतों से ज़्यादा मिलती जुलती है। जैसे नारियल की पहली परत भी समान नहीं होती, नारियल की अंतिम परत में पानी होता है, वैसे ही पृथ्वी के निचली परत में गाढ़ा पदार्थ होता है। मैडम की बातों से सभी बच्चे संतुष्ट नजर आए। सचमुच हमारी पृथ्वी के अंदर तो कई चीज़ें दबी पड़ी है। पृथ्वी के भीतरी भाग के विषय में जानने की उत्सुकता और बढ़ गई, और सभी बच्चे शिक्षिका के जाने के उपरांत अपने ज्ञान को एक दूसरे से बांटने लगे। सभी को पृथ्वी की उपयोगिता का एहसास हुआ तथा वे पृथ्वी से प्राप्त संसाधनों के उचित उपयोग संरक्षण का संकल्प करने लगे। अब देखिए, अभ्यास प्रश्न है, आप सभी बताइए, बोलिए नीफे में क्या होता है? सिलिका तो होगा नहीं, क्योंकि स से शुरू है ही नहीं, तो क्या होगा? लोहा होगा, फ से फेरस लोहा, अनि से निकेल, आपको हमने बताया ही था। अब आप बच्चों, आप खुद से इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में सुन सुन कर बनाइए। देखिए, भूपरपटी का ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? सियाल। क्रोड, क्रोड है क्या? तो निचली परत है। भूपरपटी को क्या कहा जाता है? भूपटल भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? सियाल भी कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर कितना डिग्री, कितना मीटर नीचे जाइएगा? 32 के 33, तो 32 पृथ्वी का बीच वाला परत क्या होता है बताइए? सीमा। भूपरपटी में मिलाइए, क्या होता है? खनिज पदार्थ। सीमा में सिलिका मैग्नीशियम, सियाल में बताइए बच्चों सिलिका एल्युमिनियम, अनीफे में पदार्थ गाढ़ी अवस्था में रहती है। पृथ्वी की परतों के नाम लिखिए, कौन सी परत पिघली अवस्था में रहती है? तो उससे सबसे नीचे रहेगा, तापमान अधिक रहेगा, दबाव अधिक रहेगा, गर्मी ज़्यादा लगेगा, पदार्थ पिघल जाएगा। सबसे निचली परत में कौन सा तत्व होता है अधिक बताइए? फेरस, निकेल, है ना? गहराई में जाने पर गर्मी क्यों लगती है? क्योंकि तापमान बढ़ जाता है, दबाव बढ़ जाता है। तो इस तरह से बच्चों आपका पहला चैप्टर समाप्त होता है। अब जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि वीडियो के लास्ट में, एंड में, हम आपको नोट्स वाला पेज भी देंगे, जिससे कि आपको पढ़ने में सुविधा होगी। इस चैप्टर का मेन मेन पॉइंट क्या है उसको भी हम लिख के देंगे। खासकर कंपटीशन तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि वो तो बच्चे जैसे पढ़ नहीं पाएंगे, शुरू से अंत तक टाइम चला जाएगा, इसलिए आप लास्ट वाले पेज को भी अच्छा से देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, बांटिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसको पढ़ें। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से मेरा अनुरोध है कि आप भी अपने पिताजी को बोलिए, बड़े भैया को बोलिए, बहन को बोलिए कि आप भी इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि लास्ट में हम आपको नोट्स वाला पेज भी देंगे।
तो देखिए नोट्स वाला पेज है ये। देखिए आप लोग इसको अच्छे से भी बना सकते हैं। देखिए सियाल ऊपर में है, सीमा बीच में है, नीफे नीचे है। सियाल का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? तो यह ऊपरी हिस्सा है, भूपरपटी या भूपटल इसे कहते हैं। इसमें सिलिका और अल्मोनियम पाया जाता है, मनुष्य का निवास स्थान है। इसी परत से जल, कोयला, सोना, हीरा, खनिज तेल, पेट्रोल, डीजल, किरासन निकाला जाता है। फिर हम देखते हैं सीमा। सीमा सीमा क्या है? तो बीच वाला परत है, मेंटल इसका उपनाम है। सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है और ज्वालामुखी का लावा भी यहीं से निकलता है। नीफे, निचली परत को हम नीफे कहते हैं, इसे क्रोड भी कहते हैं। निकेल और लोहा पाया जाता है। चीजें गाढ़ी द्रव अवस्था में पाई जाती है, तापमान और दबाव सर्वाधिक होता है पृथ्वी के अंदर। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। पृथ्वी के नीचे गहराई में जाने पर तापमान और दबाव बढ़ता है, इसीलिए गहराई में जाने पर गर्मी बढ़ने लगती है। अत्यधिक गहराई में तापमान और दबाव ज़्यादा होता है, जिसके कारण चीज़ें गाढ़ी द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये कहाँ? तो नीफे में। इस तरह से बच्चों, मेरे दोस्तों, आप इस पेज को लिख लीजिए और इसे याद कर लीजिए। इस चैप्टर में कम से कम आपको इतना याद होना ही चाहिए। तो इस पेज को आप अच्छे ढंग से नोट कर लीजिए। यदि आपको लगे कि ये सही है, अच्छा है, समझ में आ रहा है, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना? अब हम आपसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि बताइए ऊपरी परत को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सियाल की सीमा की नीफे, तो सियाल कहते हैं। बीच वाली परत को सीमा कहते हैं और लास्ट वाली परत को नीफे कहते हैं। देखिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ में प्रश्न भी सुनिए। अब बताइए कि सिलिका सियाल में क्या होता है, कौन सा तत्व? तो सिलिका और एल्युमिनियम। ज्वालामुखी का लावा कौन सा परत? सीमा। गाढ़ी द्रव अवस्था में पाई जाती है, नीफे। तो मेरे बच्चों, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और इसे क्या कीजिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिएगा, लाइक। तो ध्यान से सुनने के लिए आप सभी बच्चों और मित्रों, सहपाठियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे दोस्तों तो इसे ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।